जयस्वर वेद कथा, जयस्वर वेद कथा, जयस्वर वेद कथा, जयस्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है, श्रवण मात्र से मिट जाती है अंतर मन की व्यथा। जयस्वर वेद कथा, जयस्वर वेद कथा, जयस्वर वेद कथा, जयस्वर वेद कथा। पावन क्षण है, दंडक वन आश्रम का यह वार्षिक उत्सव हमें अध्यात्म की रंगत में रंगने को, हमें विहंगम योग के आनंद में आनंदित करने को, हमें भक्ति के रंग में सराबोर करने को हमारे समक्ष वार्षिकोत्सव के रूप में आ गया है। और शोभा यात्रा की अद्भुत शोभा के साथ, शोभा यात्रा की अद्भुत शोभा के साथ हम सबों ने मिलकर दंडक वन आश्रम के इस वार्षिकोत्सव समारोह का शुभारंभ कर दिया, शुभारंभ कर दिया। एक उमंग, एक उत्साह, एक उत्सव और एक उल्लास। जहां हमारे भीतर हिलोरे ले रहा, हमारी मातृशक्ति इतनी बड़ी संख्या में माथे पर स्वरवेद लिए, हमारे भाई अंकित श्वेत ध्वजा लिए जय घोष करते, स्वरवेद महामंदिर निर्माण के संकल्प को बारंबार दोहराते, जहां ऐसा उत्सव है, जहां ऐसा उमंग है और जहां ऐसा आध्यात्मिक भाव है, जहां ऐसा भक्ति का रंग है, जहां ऐसा सेवा भाव है, वहीं तो शिष्य का कल्याण है, वहीं तो शिष्य का कल्याण है सा। ये जो सहज सेवा भाव है, ये जो सहजता है, ये अध्यात्म की प्रथम सीढ़ी है। जहां हम समर्पित हो जाते हैं, हम सबका संकल्प महान स्वरवेद महामंदिर निर्माण, ये संकल्प आज
बड़ी प्रमुखता से गुंजायमान हो रहा है। और आप सबों ने इसे गुंजायमान किया है। सिद्धांत का प्रचार सबसे बड़ी सेवा है। सिद्धांत की स्थापना सबसे बड़ा कार्य है। अभी भारतीय नववर्ष पर स्वर्वेद यात्रा निकाली गई। भारत में और बाहर भी भारत के 23 राज्यों में निकाली गई। स्वर्वेद यात्रा निकाली गई। हजारों हजार भाई और बहनों ने मिलकर भारतीय नववर्ष का नव विक्रमी संवत्सर का शुभारंभ किया, स्वागत किया, अभिनंदन किया, आगाज किया। किससे? स्वर्वेद की यात्रा से किया। देश के कोने से लेकर दूसरे कोने तक सद्गुरु देव का स्वरवेद हृदयों को जोड़ता है। ये जोड़ता है एक दूसरे को, ये सबको जोड़ता है। हृदय से हृदय को जोड़ता है ये स्वरवेद। सद्गुरु देव का स्वरवेद, ये जो यात्रा निकली है, एक बार उनके लिए हम सब दंडक वन की भूमि से तालियों की गड़गड़ाहट करते हैं। हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें सिर पर सदगुरु देव के स्वरवेद को लिए, माथे पर स्वरवेद को लिए हमारे भाई बहन यह कार्य सिद्धांत के प्रचार का यह कार्य सदगुरु देव के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं, जहां अब भी अंधेरा है, दिए से दिया जलाएं। घर घर तक, जन जन तक, मन मन तक
सदगुरु देव का स्वर वेद पहुंचाएं, विहंगम योग की आध्यात्मिक क्रांति पहुंचाएं, चलो दीप वहां जलाएं जहां अब भी अंधेरा है, जहां अब भी अंधेरा है। तो स्वर वेद की स्थापना देवत्व की स्थापना है, स्वर वेद की स्थापना ऋषित्व की स्थापना है, ऋषियों की धरोहर है। और भारतीय नववर्ष पर, नव विक्रमी संवत्सर पर यह जो स्वर वेद यात्रा निकली है, एक नए संदेश के साथ पुनः निकली है। और ये स्वरवेद यात्रा स्वरवेद महामंदिर निर्माण को पूर्ण करने के लिए ही तो निकली है। स्वरवेद महामंदिर के निर्माण को पूर्ण करने के लिए ही तो निकली है। हम सब बैठकर अभी साधना का अभ्यास कर रहे थे, दंडक वन की यह पवित्र भूमि, ऐसा हमारा, ऐसा हम सबका स्वरवेद महामंदिर, जहां एक साथ एक दो हजार नहीं, चार पांच हजार नहीं, अरे हम सबों के स्वरवेद महामंदिर में एक साथ 20,000 से भी ज्यादा साधक बैठकर विहंगम योग की क्रियात्मक साधना का अभ्यास कर सकते। तो देश की एक अद्भुत आध्यात्मिक धरोहर बन रही है, सज रहा है। सज रहा है, समर रहा है हमारा स्वरवेद महामंदिर। किस लिए बन रहा है? मैं बराबर कहता रहता हूं, निरंतर कहता रहता हूं, ये स्वरवेद महामंदिर तो लाखों लाख आत्माओं के कल्याण के लिए ही तो बन रहा है साहब। जहां भारत की आध्यात्मिकता है, जहां लाखों लाख आत्माओं का कल्याण है, जहां भारत की ऋषि परंपरा का अद्भुत दिग्दर्शन है, जहां स्वरवेद का समस्त तत्व दर्शन है, जहां स्वरवेद की समस्त प्राण ऊर्जा है, जहां उपनिषदों का शाश्वत सहज सनातन संदेश है, जहां
युद्ध की भूमि में गीता का सहज शाश्वत ज्ञान है, जहां ब्रह्म विद्या का विज्ञान है, जहां सदगुरु साहेब की सहजता है, वहीं तो सदगुरु देव का स्वर वेद है, स्वर वेद महामंदिर है साहब। तो ऐसा एक समन्वय है यहां, जहां वेदों की वाणी है, जहां उपनिषदों का संदेश है, जहां साहेब की सहजता है, जहां उपनिषदों के प्रसंग हैं, जहां भारत की आध्यात्मिक शक्ति है, वहीं स्वरवेद महामंदिर है। भारत की आध्यात्मिकता में हमारी नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ऋषिकाएं उनकी बुद्धिमत्ता, उनका सहज हृदय और उनका साधनात्मक अनुभव भारत की आध्यात्मिकता को एक नया आयाम देता है। ईश्वर वेद महामंदिर में न केवल विहंगम योग की संस्कृति को, न केवल सदगुरु देव की संस्कृति को, जीवन दर्शन को, स्वर वेद के संदेश को, साहेब की वाणियों को, गीता के आध्यात्मिक संदेश को, उपनिषदों के प्रसंगों को उकेरा जा रहा है, बल्कि जो हमारी विदुषी नारियां रही हैं वैदिक काल में, उस नारी शक्ति को नमन करते हुए भी नारी शक्ति को उचित सम्मान दिया जा रहा है ईश्वर वेद महामंदिर में। ऋषिकाओं के जीवन दर्शन को प्रस्तुत किया जा रहा है। विदुषी नारियों के ज्ञान से ऋषि भी चमत्कृत हो जाते, ऐसे उदाहरण हमारे उपनिषदों में भरे पड़े। गार्गी और याज्ञवल्क का संवाद अपने आप में भारत की विदुषी नारियों के वैभव की गाथा गाता है। तो कुल मिलाकर ये स्वर वेद महामंदिर अपने आप में अनूठा है, अद्भुत है। और आप सबों के संकल्प से, आप सबों की सहज सेवा भावना से यह ईश्वरीय कार्य निरंतर गतिमान है, चल रहा है। स्वरवेद महामंदिर के निर्माण को गतिमान बनाने के लिए 21,000 कुंडी महायज्ञ करने की प्रेरणा सदगुरु कृपा के आधार से मुझे प्राप्त हुई और मैंने इसकी घोषणा की। स्वरवेद की रचना स्थली शून्य शिखर के आंगन से प्रेरणा देने वाली वह सत्ता है,
सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास आप सबों ने किया, लाखों लाख घरों में सदगुरु देव के स्वर वेद को पहुंचा दिया है। स्वर वेद के ज्ञान का दीपक जल रहा है। 21,000 कुंडीय महायज्ञ की घोषणा मैंने शून्य शिखर में की और आप सबों ने मिलकर, संपूर्ण संत समाज ने मिलकर स्वरवेद महामंदिर के निर्माण के लिए इस 21,000 कुंडीय महायज्ञ को 45,000 कुंडी बना दिया, 45,000 कुंडी बना दिया। पूरे देश में इस महायज्ञ की अलख जगाने का मुझे सौभाग्य मिला। और निर्माण कार्य बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। अब पुनः समय आया है, अब पुनः समय आया है कि हम सब ईश्वर वेद महामंदिर के लिए एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा, एक नए संकल्प और एक नई जागरूकता के साथ आगे बढ़े और स्वरवेद महामंदिर के निर्माण को अति शीघ्र पूर्ण करके दम लें। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। बहुत कार्य हुआ है, लेकिन बहुत कार्य शेष हैं। सैंड स्टोन लगाने का कार्य चल रहा है, पिंक सैंड स्टोन लगभग पूर्णता की तरफ है। आध्यात्मिक प्रसंग पत्थर पर उकेरे जा रहे हैं अत्याधुनिक जेट मशीनों के द्वारा। वो प्रसंग आध्यात्मिक हैं, वो प्रसंग स्वरवेद के हैं, वे प्रसंग उपनिषदों के हैं, जिनके माध्यम से जिज्ञासुओं को अध्यात्म का संदेश मिले। जो भी स्वरवेद महामंदिर पर आए उसे यह पता चले कि भारत का अध्यात्म क्या है, ऋषियों का दर्शन क्या है, स्वरवेद क्या है। स्वरवेद के दोहे तो प्राणवंत तो रहेंगे ही, वहां प्राण ऊर्जा के रूप में रहेंगे ही, साथ ही आध्यात्मिक प्रसंग भी रहेंगे, जनकल्याणकारी समस्त सूक्त रहेंगे, बोधवाक्य रहेंगे, सूक्तियां रहेंगी, एक साधना के द्वारा एक व्यक्ति के जीवन का किस प्रकार से परिवर्तन होता है, एक शिष्य के जीवन में कैसा बदलाव होता है, ये समस्त प्रसंग रहेंगे वहां। कार्य चल रहा है, बहुत कार्य हुआ है, बहुत कार्य बाकी है,
स्वरवेद के दोहे श्वेत मकराना संगमरमर पर लिखे जा चुके हैं आप सबों के सहयोग से और स्वरवेद महामंदिर की दीवारों पर लगाए भी जा चुके हैं, लगाए भी जा चुके हैं। लेकिन स्वरवेद के रचयिता की अमर हिमालय योगी अमर सद्गुरुदेव जिस महान सत्ता ने लाखों जीवों की मुक्ति का शंखनाद किया, जिस महान सत्ता के महान संकल्प से हम सब जुड़े हैं, हम यूं ही नहीं बैठे हैं यहां पर, हमारे पीछे एक शक्ति है, एक धारा, एक प्रवाह है, एक संकल्प है। इस स्वरवेद महामंदिर में और इस प्रांगण में विहंगम योग के प्रणेता स्वरवेद महाग्रंथ के रचयिता अमर हिमालय योगी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की 100 फीट ऊंची प्रतिमा हमें लगानी है, ये हमें संकल्प लेना है। और प्रतिमा के साथ अन्य सौंदर्यीकरण के कार्य वहां होने हैं और इस कार्य को हम सबको मिलकर गतिमान करना है। आरती में हम गाते हैं गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नैन चकोर पलक पलक निरखत रहे गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति की ओर। हम गाते रहते हैं महामंदिर के सभी तलों पर तो सदगुरु देव की दिव्य मूर्तियां स्थापित होंगी ही, श्वेत पत्थर में विश्व के उत्कृष्ट पत्थरों से सुसज्जित होंगी, दिव्य सिंहासन पर सुसज्जित होंगी, साथ ही स्वरवेद महामंदिर के बाहरी परिदृश्य पर सौ फीट से भी ऊंची प्रतिमा, 100 फीट से भी सदगुरु देव की ऊंची प्रतिमा और आसपास के संपूर्ण क्षेत्र को विकसित करने का वीड़ा सभी शिष्यों को अब उठा लेना है, ये कार्य करके दिखाना है। क्योंकि कार्य अब आ गया है मूर्ति का, और ये मूर्ति का जो कार्य है ये सौभाग्यशाली सौभाग्यशाली सेवकों को ही प्राप्त होता है, सौभाग्यशाली सेवकों को ही प्राप्त होता है। सेवा कोई भार नहीं है, सेवा कोई बोझ नहीं है, सेवा सेवा सौभाग्य है जो श्रेष्ठ आत्माओं को, जो संस्कारी आत्माओं को
सदगुरु कृपा के आधार से उनके कल्याण के लिए सहज रूप से ही प्राप्त हो जाती है साहब, सहज रूप से ही प्राप्त हो जाती है। आप क्या नहीं कर सकते हैं और आप लोगों ने क्या नहीं किया है, 21,000 कुंडी स्वरवेद महायज्ञ को आप सबों ने 45,000 कुंडीय बना दिया, ऐतिहासिक अद्भुत महायज्ञ स्वरवेद महामंदिर के प्रांगण में संपन्न किया। ये जो महायज्ञ था ये स्वरवेद क्रांति महायज्ञ था। विश्व शांति कैसे? स्वरवेद की क्रांति से होगा विश्व शांति महायज्ञ, और विश्व शांति से स्वरवेद क्रांति महायज्ञ। स्वरवेद महायज्ञ स्वरवेद क्रांति महायज्ञ रहा। ऐसे भी हजारों भाई बहन जो विहंगम योग परिवार से जुड़े न थे, पुनः समय आ रहा है और आ गया है। समय जा रहा है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय जा रहा है, समय का घोड़ा मानो मानो दौड़ा जा रहा हो। प्रकृति परिवर्तनशील है, कोई वस्तु यहां स्थिर रहने वाली नहीं है। सब कुछ बदल रहा है, प्रतिक्षण बदल रहा है। हमारे शरीर के परमाणु बदल रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं 7 वर्ष में पूरे का पूरा शरीर बदल दिया जाता है। परिवर्तन इसका नियम है, कोई वस्तु यहां स्थिर रहने वाली नहीं है। सब कुछ बदलने वाला है, ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन है, ये रात है, परिवर्तन इसका नियम है। ये शरीर है, ये संसार है, ये गुलाब का फूल है, इसमें कांटे लगे हैं, ये धूप है, ये छांव है, ये सावन की रिमझिम फुहार है, ये जेठ की दुपहरी है, ये शरीर है, ये संसार है, ये परिवर्तनशील है, कोई वस्तु स्थिर रहने वाली नहीं है। जितना भी शरीर और संसार से प्राप्त होता है वो सब क्षणिक है, मिटने वाला है। तो हम स्वयं को नहीं बुला सकते, इसीलिए यही संदेश मिलता है हमें। प्रकृति की नश्वरता को देख के हम क्या सीखते हैं? शरीर की नश्वरता को देखकर हमें क्या समझ में आता है? सब कुछ बदलते हुए संसार को देखकर हम क्या समझते हैं? वृक्ष कबौ नहीं फल भखे, वृक्ष कबौ नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। हमने तो यही समझा है, नदी की धारा बह रही है सबके लिए, बह रही है धारा,
और ये धारा बहती जाएगी। एक पहाड़ी पर एक गांव, एक महात्मा जी पहाड़ी से निकलने वाली एक नदी के किनारे बैठे हैं। सुबह जाकर बैठ गए, शाम हो गई, बैठे हैं, नदी पार नहीं कर रहे। गांव वालों ने पूछा, आप नदी पार नहीं करते? नदी बह के चली जाए, नदी जब बह के चली जाएगी तब मैं नदी पार करूंगा। नदी जब बह के चली जाएगी, नदी जब समाप्त हो जाएगी तब मैं जाऊंगा, तब मैं पार करूंगा नदी। ये नदी तो बहती जाएगी, ये तो इसका प्रवाह तो चल रहा है, संसार तो चल रहा है। आज ये कल वो है, ऐसा है वैसा है, संसार कभी शांत नहीं होने वाला, संसार के भोग कभी शांत नहीं होने वाले। महात्मा जी, ये नदी तो समाप्त होने वाली नहीं है, आपको तो इसी धारा में जाना होगा। मैं भी तो यही कहता हूं, कब आओगे इस मार्ग पर, कब आओगे भक्ति के मार्ग पर। ये संसार तो कभी शांत होने वाला नहीं। हम यूं ही तो नहीं बह सकते, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। जीवन जीने में ही जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत जाती है, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। अध्यात्म यही संदेश देता है, इसीलिए प्रथम अंग है सेवा। रहते हुए शरीर संसार में अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए, घर परिवार में रहते हुए किस प्रकार से हमारे जीवन का आध्यात्मिक निर्माण हो, एक समन्वय, एक संतुलन, एक सामंजस्य, एक सहयोग। त्याग पूर्वक उपभोग, हम क्या लेकर आए थे, क्या लेकर चले जाएंगे, बीच में ही मिला है, बीच में ही मिला है सब, और सब बीच में ही छूट जाता है। कफन में जेब नहीं होती, जब बच्चे को सर्वप्रथम वस्त्र पहनाया जाता है उसमें भी जेब नहीं होती और कफन में भी जेब नहीं होती। हम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर चले जाएंगे, बीच में ही मिला है सब और सब बीच में ही छूट जाता है। जितना हमारा जीवन सेवा में, खूब खूब सत्संग में और साधना में व्यतीत होगा,
उतना ही हमारे जीवन का कल्याण होगा, उतना ही हमारे जीवन का भला होगा। बाकी क्या है? बाकी तो शरीर चल रहा है, संसार चल रहा है, सुख दुख का अनुभव भी मिल रहा है, धूप छांव का खेल भी चल रहा है। चल रहा है और चलता रहेगा। जब तक शरीर है, संसार है, यह दृश्य है, पदार्थ है, आंखों से देख रहे हैं, कानों से शब्दों का श्रवण कर रहे हैं, नासिका में घ्राण शक्ति है, जीवा से रस ले रहे हैं, त्वचा से स्पर्श का अनुभव मिल रहा है, हाथ पैर से चलते फिरते उठते बैठते काम कर रहे हैं, हमारे शरीर में ज्ञान और कर्म का समन्वय है, तो ज्ञान और कर्म से ये हमारा शरीर चल रहा है। ज्ञान इंद्रियां हैं और कर्म इंद्रियां हैं, वैसे ही ये संपूर्ण विश्व ज्ञान और कर्म से चल रहा है। जैसे ये शरीर चल रहा है ज्ञान और कर्म से, वैसे संपूर्ण विश्व चल रहा है ज्ञान और कर्म से। सबके पीछे एक नियम है, एक सिद्धांत है, एक रहस्य है, एक विधि है, एक व्यवस्था, एक अनुशासन है। ईश्वर की अद्भुत व्यवस्था कार्य कर रही है। भले वो समझ में आए या ना समझ में आए, ईश्वर की अद्भुत शक्ति काम कर रही है हमारे भीतर और बाहर, बाहर और भीतर, सर्वत्र। जर्रे जर्रे में है, जर्रे जर्रे में है, जहां की भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। तो भीतर भी है, वो भीतर भी है और बाहर भी है ना। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बृहत से बृहत है, बड़े से बड़ा है। अभी हमने वेद मंत्र में क्या बोला, सबने उच्चारण किया, सब वेद मंत्र बोलते हैं। एको देवः सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। एक देव है
जो जो सबके भीतर प्रतिष्ठित है, जो आत्मा के अंदर, जो आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से स्थित है। सदगुरु देव ने स्वर वेद का प्रारंभ ही ईश वंदना से किया है। स्वर वेद का प्रारंभ ही ईश वंदना से, और बड़ी अद्भुत वंदना, किस प्रकार सत्य और असत्य दोनों से भिन्न है। सत्य क्या है और असत्य क्या है? सत्य किसे कहा है और असत्य किसे कहा है, इसका भी खेल बहुत निराला है। तो संपूर्ण सृष्टि ईश्वर से व्याप्त है, वो आत्मा से भी सूक्ष्म है। और विभू से भी विभू है, बड़े से भी बड़ा है, और अणु से भी अणु है। हम आहुति देते हैं हवन कुंड में, यज्ञ हवन में वैदिक मंत्रों के साथ आहुति देते हैं, और क्या बोलते हैं हम सब? हम बोलते हैं इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये, इदं नमम, इदं सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय, इदं नमम, इदं प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये, इदं नमम, इदं इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय, इदं नमम। हम ईश्वर की समस्त शक्तियों का नाम लेते हैं और कहते हैं सब उसका है, मेरा नहीं है। हमें मिला है, हमारा है नहीं, सब तुम्हारा है, हमारा कुछ नहीं है, तुमने दिया है प्रभु, मेरा है नहीं। मेरा नहीं है, इदम न मम, यह मेरा नहीं है, यह किसका है? ये अग्नि का है, यह वायु का है, यह आदित्य का है, यह सूर्य का है, यह शरीर प्रकृति का है, ये पदार्थ प्रकृति का है, और प्रकृति ईश्वर की शक्ति है। सब कुछ ईश्वर की अनंत शक्तियों का है, जो कुछ भी हमें प्राप्त है। जो कुछ भी हमें प्राप्त है मूल में ईश्वरीय कृपा का ही आधार है। इसलिए हम बार बार बोलते हैं, त्याग की भावना है, ये समर्पण की भावना है, और महापुरुष सदगुरु हमें इसी त्याग और समर्पण में प्रतिष्ठित करते हैं, हमें वह राह दिखाते हैं, वह मार्ग देते हैं, हम किधर का रास्ता देखें। महाजनों महाजनों ये न गतः स पंथः, ये भूमि ही ऋषियों की भूमि है, ये भूमि ही बड़ी ऐतिहासिक रही है। सर्वभंग ऋषि का आश्रम यहां से समीप में है,
अभी मैं मूर्ति की चर्चा कर रहा था और मैं बता दूं, सबसे पहले सदगुरु देव के देहावसान के बाद 1958 में विहंगम योग के प्रणेता सदगुरु सदाफल देव जी महाराज की प्रथम मूर्ति यहां से समीप में ही 20-22 किलोमीटर दूर बामनिया भूत में सदगुरु देव की प्रथम मूर्ति स्थापित हुई है। बड़ी दिव्य मूर्ति, अद्भुत आकर्षण, जिसके दर्शन मात्र से मूर्ति क्यों है, मूर्ति क्यों स्थापित की जाती है, मूर्ति का हम दर्शन क्यों करते हैं, इसका बड़ा अद्भुत आध्यात्मिक भेद है। हम इसीलिए दर्शन करते हैं, हम इसीलिए आरती करते हैं, सदगुरु की प्रभा ज्योति हमारे अंदर भी उतर जाए और हमारा जो संकट है, त्रैताप है, भवताप है, वह नष्ट हो जाए सब, वो हमारा मोह भी नष्ट हो। मूर्ति हमारे मोह को भी नष्ट करती है, मोह भी बहुत है ना, इतना मोह घेरा रहता है। मूर्ति के दर्शन से हमारा मोह भी धीरे धीरे नष्ट होता है। मानो के मन में मोह आज से है, कामनाएं आज से हैं, भोग आज से है, इच्छाएं आज से हैं, अनंत अनंत जन्म और जन्मांतरों से भरा है, तो कामना बुरी नहीं है, इच्छा बुरी नहीं है, विवेक युक्त कामनाएं श्रेष्ठ हैं। इच्छाएं बहुत हैं, कामनाएं बहुत हैं, बहुत कुछ चाहते हैं हम, और क्यों ना चाहें, हमारे पास मन है, हम शरीर में हैं, संसार में कामनाओं से बंधे हैं। इच्छा बुरी नहीं है, कामना बुरी नहीं है, लेकिन कामना के पहले किसका स्थान है, विवेक का स्थान है। कामना के पहले किसका स्थान है, विवेक का स्थान है। जीवन की बागडोर विवेक के हाथ में है, धर्म के हाथ में है। कामनाएं पूर्ण होवे, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की, तो सब कामनाएं पूर्ण होती रहे और हम खाली भोग में लगे रहे, तब फिर तो खेल बिगड़ जाएगा, है ना मामले। कामनाएं पूर्ण होवे, सब कामना पूर्ण होती रहे, हम खाली कामना पूर्ति के लिए, कामना पूर्ति का स्थान है, लेकिन अध्यात्म बहुत श्रेष्ठ वस्तु है, सदगुरु का ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है, विहंगम योग बहुत श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। अरे वो साहब, वो तो आपके आत्मा के कल्याण के लिए है, वो केवल लोक के ही कल्याण के लिए नहीं है, वो लोक घर परिवार का कल्याण तो करेगा ही, कर ही रहा है, वो परलोक को भी संवार देता है, परलोक को भी संवार देता है।
कामनाएं पूर्ण होती रहे और हम ईर्ष्या में पड़े रहे, हम द्वेष में पड़े रहे, हम घृणा में पड़े रहे। तो सहज विवेक के साथ जीवन का संपूर्ण विकास, उदात्त चिंतन के साथ, उदार चिंतन के साथ, त्याग भावना के साथ जीवन में आगे बढ़ना। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। ऐसी त्याग भावना, ऐसी शिष्य भावना, ऐसा सेवक भाव एक शिष्य के अंदर सहज रूप से हो। पहले दाता शिष्य भया, तन मन अर्पा शीश, पीछे पीछे दाता गुरु भया, पीछे दाता गुरु भया, नाम दिया बकशीस, नाम दिया बकशीस। समर्पण प्रथम है तभी हम पात्र बनेंगे। जल का झरना बह रहा है, जल का झरना बह रहा है, हमारा पात्र ऐसे है, औंधे मुख है तो जल भरेगा। हमारा पात्र सीधा होना चाहिए तब जल भरेगा। कृपा करने वाले ने खूब खूब कृपा कर दी है, कृपा बरस रही है, कृपा करने वाले ने खूब खूब कृपा कर दी है। जो श्रेष्ठ होते हैं, जो उत्तम होते हैं, वो सहज उस कृपा को ग्रहण कर लेते हैं। जो पात्र होते हैं उनके लिए तो सहज कृपा है, वो सदैव कृपा में ही जीते हैं। सदैव कृपा में ही जीते हैं जो श्रेष्ठ होते हैं, जिनका सहज भाव है, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जो सहज प्रेम में है, निरंतरता है जिनका, सहज स्वभाव, और जिनके अंदर प्रेम की धारा बह रही है, वो कृपा में ही जीते हैं। क्योंकि कृपा करने वाले ने कर दी, शिष्य की योग्यता के अनुसार सदैव कृपा है, शिष्य की पात्रता के अनुसार सदैव कृपा है, शिष्य की सेवा ही सदैव कृपा ही बरसाती है। साहब जो सेवक है उसके साथ सदैव कृपा की छाया है, उसको आत्मिक बल देती है। आत्मा की शक्ति बड़ी शक्ति है, और जिसके पास आत्मिक शक्तियों का विशेष प्रवाह है, जिसकी आत्मा की शक्तियां जागृत हैं, और जिसके पास जितनी अधिक शक्ति है उतना ही अधिक आनंद में रहता है, घबराता नहीं है। जो भीतर से कमजोर है वो सामान्य स्थितियों में भी घबरा जाएगा, और जो भीतर से मजबूत है, जिसकी आंतरिक शक्तियों का विकास है, और जिसकी आत्मा बलशाली है, वो बाहर की उठा पटक से नहीं घबराता, बाहर की परिस्थितियों से नहीं घबराता, वो तो भीतर के आनंद में आनंदित रहता है। साहब वो भीतर के आनंद में आनंदित रहता है। तो
तो अध्यात्म हमें आंतरिक शक्तियों से पूर्ण बनाता है। विहंगम योग हमारी आंतरिक शक्तियों का विकास करता है। विहंगम योग हमारी सुप्त शक्तियों को जागृत करता है। स्वरवेद हमारी सुप्त चेतना को ही जगाता है और हमें बलशाली बनाता है। हमारे भीतर बड़ी शक्ति है, ईश्वर की ही शक्ति हमारे भीतर है। दूध के कणकण में मक्खन ही मक्खन है, तिल में तेल है, मेहंदी के हरे पत्ते में लाली ही लाली है। दूध में मक्खन है लेकिन ऐसे तो निकलता नहीं है मक्खन, मक्खन को निकालना पड़ता है ना। दूध है इसका मतलब कि इसमें है मक्खन, स्वर्ण है, सोना है, तो आभूषण बन सकते हैं, अंगूठी बन सकती है, हार बन सकता है, और भी कई तरह के आभूषण बनाए जा सकते हैं। स्वर्ण है तो आभूषण बन सकते हैं, दूध है घी बन सकता है, मक्खन बन सकता है, ये बनाना पड़ता है। उसको बनाना पड़ता है, ऐसे ही नहीं बन जाता है। हमारे भीतर है, हमारे भीतर है अनंत की शक्ति, हमारे भीतर है अनंत की शक्ति। लेकिन उस शक्ति को जागृत करना पड़ता है। नहीं तो ऐसे ही बह जा रहे हैं, बाहर बाहर जा रहे हैं, सब बाहर का समाचार मिल रहा है, ब्रेकिंग न्यूज, बाहर का समाचार, आंखों से बाहर सब बाहर का जितना मिल रहा है, और न मिले तो परेशान हो जाए। जैसे मानो हमारी इंद्रियां हमें बाहर दौड़ाए जा रही हैं, मानो हमारा शरीर हमें बाहर खींचे ले जा रहा है। जैसे रथ में घोड़े लगे हैं, रथ को बाहर दौड़ाए जा रहे हैं। रथ में घोड़े लगे हैं और रथ को बाहर दौड़ाए जा रहे हैं। हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, हमें बाहर दौड़ाए जा रहे हैं। हम कौन हैं? हमारा स्वरूप क्या है? इसीलिए तो सद्गुरुदेव कहते हैं, कर विचार मैं कौन हूं, ब्रह्म को जगदाधार। कैसे जग उत्पन्न है, लीन कौन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसे होए। बद्ध मुक्त के ही भांति सो, ग्रहण करो सत सोए। तो आत्मा कोई गायब थोड़ी कर सकते, स्वयं को भुला सकते हैं क्या? केवल शरीर और संसार में बह जा सकते हैं। आत्मा को ही गायब, जिससे शरीर चल रहा है उसी को गायब नहीं कर सकते हम। हम आत्मा को नहीं भुला सकते, हम स्वयं को नहीं भुला सकते। हम आत्मा हैं, हम चेतन हैं,
शरीर हमें मिला है, ये दुर्लभ है, ये अनमोल है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है, रहस्य है, कारण है। एक साधक, एक विहंगम योगी सदैव यह चिंतन करता है और आत्म तत्व की तरफ, परमात्म तत्व की तरफ उसकी चेतना का सहज विकास होता है। ये विहंगम मार्ग ही इसीलिए है, सद्गुरुदेव का सिद्धांत ही यही है, स्वरवेद इसीलिए है, जो हमें जीवन जीने की कला सिखा दे, घर परिवार में रहते इससे अलग रहने की युक्ति बता दे, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए कैसे हमारे जीवन का आध्यात्मिक विकास हो, यह सिखा दे हमें। संसार में रहते हुए इससे अलग कर दे हमें, गंगा में स्नान करना है अच्छा है, गंगा में डूब कर प्राणों को गंवाना अच्छा नहीं है, गंगा में स्नान कर बाहर निकल आना, रहना है घर में परिवार में, डूब नहीं जाना शरीर में, संसार में डूब नहीं जाना है। स्वयं को नहीं भुला देना, विहंगम योग का ज्ञान उसी आत्म तत्व की तरफ, परमात्म तत्व की तरफ हमारी चेतना को ले चलता है, जिसे हम अध्यात्म कहते हैं। इस ज्ञान का आधार हमारी आत्मा बनती है, इस ज्ञान का आधार हमारी आत्मा है, जिस योग का आधार हमारी आत्मा है। तो स्वरवेद का आधार वास्तविक है, स्वरवेद का आधार आत्मिक है, स्वरवेद का आधार सद्गुरुदेव के आध्यात्मिक अनुभवों से परिपूर्ण है। जो अनुभव है वही इसमें अभिव्यक्त है, इधर उधर की कोई बात नहीं है, यहां वो लिखा वहां वो लिखा, स्वयं का अनुभव ही बोलता है यहाँ, अध्यात्म का अनुभव ही बोलता है यहाँ। सिद्धांत और साधना का समन्वय ही बोलता है यहाँ। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें सद्गुरुदेव का सिद्धांत मिला है, हमें स्वरवेद मिला है, सद्गुरुदेव का यह ज्ञान मिला है। चलते हैं अब हम स्वरवेद में, आज प्रथम दिवस, अब हम विराम की तरफ बढ़ेंगे। घड़ी की सुई बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, विहंगम योग का ज्ञान तो अनंत है, स्वरवेद का स्वर तो अनंत है। अभी तो भूमिका में हम सब चल रहे थे, अभी चलते हैं स्वरवेद में, देखते हैं सद्गुरु की यह वाणी अद्भुत है, अनमोल है, अमृत है, हमारे कल्याण के लिए सद्गुरुदेव ने हमें दिया है। स्वयं स्वरवेद का प्रसाद ग्रहण करना, स्वरवेद का प्रसाद ग्रहण करना, और केवल स्वयं ही इस प्रसाद को न ग्रहण करना, बल्कि इस स्वरवेद रूपी प्रसाद को जन जन तक बांटना, यही शिष्य होने का कर्तव्य है, यही शिष्य होने का दायित्व है।
तो यहां संकल्प होना है स्वरवेद के रचयिता सद्गुरुदेव की मूर्ति निर्माण में सहयोग का और स्वरवेद महाग्रंथ के प्रचार का जो हम पिछले अनेकानेक वर्षों से करते आ रहे हैं। इस दंडक वन की भूमि से भी हम सब स्वरवेद महाग्रंथ के प्रचार के लिए संकल्पित होंगे। व्यक्तिगत संकल्प के आधार पर स्वरवेद महाग्रंथ आगे बढ़ा है, स्व इच्छा से इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए हम पुनः संकल्पित होंगे और अपने संकल्प को पूर्ण करने में पुरुषार्थ का परिचय देंगे। शुद्ध सरल विचार
तीन वाणियों में। सद्गुरुदेव ने अध्यात्म की गहराइयों का सहज वर्णन किया। एक साधक किस प्रकार से अपने जीवन का आध्यात्मिक विकास करता है, इन वाणियों में सहज रूप से हमें प्राप्त है। तो शुद्ध संस्कारी आत्माओं पर स्वर वेद का जो प्रकाश है वो अति शीघ्र प्रकाशित हो जाता है। कृपा तो बरस रही है, जो जितना शुद्ध है उसी के अनुकूल उसे अनुभव हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है और कृपा का प्रसाद भी मिल रहा है। स्वर वेद का फल अनंत है, सदगुरु की जो कृपा है वो भी अनंत है। स्वर वेद की महिमा अनंत है और जितना हम इस महिमा को गाएंगे उतना ही कम होगा। स्वरवेद अनंत ज्ञान का समुद्र है, विहंगम योग अनंत ज्ञान का समुद्र है, जो सद्गुरुदेव के अनुभवों से ही पूर्ण है। हम सब तो इसीलिए इस ज्ञान गंगा में विचरण करते हैं, गोते लगाते हैं। ये हमारा अंतःकरण शुद्ध रहे, हमारी वाणी शुद्ध रहे और हमारा जो सिद्धांत है, हमारा जो स्वर वेद है, जो सद्गुरु देव की आध्यात्मिक शक्ति है, जो हमारा सिद्धांत है, वो जन जन तक पहुंचे, वो घर घर तक पहुंचे। इसीलिए हम इस वाणी का उपयोग करते हैं, इसीलिए हम सत्संग करते कि सर्विसिंग होती रहे, स्वच्छता होती रहे। ये स्वच्छता अभियान है, इसका नाम है सत्संग, इसका नाम है आध्यात्मिक संग। अनंत फल है। कोई नाना प्रकार का जप करेगा, तप करेगा, खूब खूब तीर्थों में जाएगा, नाना प्रकार के व्रत जप तप पूजा पाठ उपवास करेगा, दीर्घ काल तक करने से अल्प सा कुछ फल मिलेगा। और प्रत्येक कर्म का फल है वो मिलता है, मिलेगा। दीर्घ काल तक अनेक प्रकार के प्राकृतिक शुभ कर्मों के संपादन से फल मिलता है, लेकिन मैं बराबर कहता रहता हूं, निरंतर कहता रहता हूं, स्वर वेद का फल अनंत है। स्वर वेद के पाठ से, विहंगम योग की आध्यात्मिक सत्संगति से, सेवा से, सत्संग से और जो साधना से फल है वो अनंत का फल है, अमृत का फल है, परमानंद का फल है। ऐसा यहां तो सदा फल है,
जो सदैव फल ही देने वाले हैं साहब। वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पल्लवित पुष्पित हो जाता है। वृक्ष के मूल में आप जल सिंचन करेंगे तो सारा वृक्ष हरा भरा पल्लवित पुष्पित हो जाता है। उसी प्रकार एकमात्र स्वर वेद के स्वाध्याय से, पाठ से, सेवा और साधना से, विहंगम योग से, सदगुरु देव के इस ज्ञान से मानव के जीवन का संपूर्ण विकास हो जाता है, मानव के जीवन का परिपूर्ण विकास हो जाता है, भौतिक और आध्यात्मिक। तो हम इस पथ पर चल रहे हैं, गतिमान हैं, निरंतर गतिमान हैं। स्वर्वेद महामंदिर का हम सबका संकल्प है और तो संकल्प अपनी गति से चल रहा है। मैंने प्रारंभ में ही इसके बारे में अपने विचारों और भावों को व्यक्त किया। स्वर्वेद महामंदिर का संकल्प चतुर्दिक गुंजायमान है। चलो चलो दीप वहां जलाएं, जहां अब भी अंधेरा है, जहां अब भी अंधेरा है। एक दूसरे के परिचय से, सहयोग से, समन्वय से ही कार्य आगे बढ़ना है और बढ़ता है। सत्संग सबके मूल में है, सत्संग की अधिकता हो, जहां स्वर्वेद की अधिकता है वहीं संस्थान का विकास है, वहीं प्रचार का विकास है, वहीं स्वर्वेद महामंदिर की पूर्णता है। जहां सिद्धांत सर्वोपरि है वहीं साधना है और वहीं प्रचार का विकास है। विहंगम योग। ईश्वर ने मानव को अपार शक्ति संपन्न बनाया है। साहसी पुरुषार्थी आत्माएं अध्यात्म के उस दिव्य मार्ग पर बढ़ चलती हैं जो सामान्य जीवन से भिन्न तो है, परंतु जिससे जुड़ जाने के बाद संसार की बड़ी से बड़ी समस्याएं भी हमें विचलित नहीं कर पाती। आत्मा के कल्याण का वह मार्ग विहंगम योग है। विहंगम योग के प्रणेता अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज द्वारा ईश्वर से योग की अवस्था में रचित स्वर्वेद महाग्रंथ विहंगम योग का हृदय है। स्वर्वेद के दिव्य दोहे हमारे अंदर ज्ञान, उत्साह एवं पुरुषार्थ की प्रेरणा बन जाते हैं। इनके पठन मात्र से हमारा संसार और अध्यात्म दोनों में विकास होता है। स्वर्वेद को समर्पित है देश की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में बन रहा स्वर्वेद महामंदिर धाम। श्वेत मकराना संगमरमर की दीवारों पर अंकित स्वर्वेद के दिव्य दोहों से प्राणवंत इस अलौकिक महामंदिर में एक साथ 20,000 साधक विहंगम योग की वैज्ञानिक साधना का अभ्यास कर सकते हैं। व्यक्ति के विकास से ही समाज का विकास संभव है। मई 2017 में आयोजित ऐतिहासिक 21,000 कुंडीय स्वर्वेद उत्तरार्ध ज्ञान महायज्ञ ने एक आध्यात्मिक क्रांति का परिचय दे दिया है। अध्यात्म में सेवा सबसे प्रमुख है। विहंगम योग संस्थान द्वारा वैचारिक क्रांति, रक्तदान,
निःशुल्क वैदिक विद्यालय, नशा विमुक्ति, पर्यावरण संरक्षण आदि अनेक सेवा कार्य सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक संचालित हैं। विहंगम योग आश्रमों की सैकड़ों गौशालाओं में असहाय गोवंश की सेवा के साथ अचूक पंचगव्य औषधियों का निर्माण भी होता है। आयुर्वेद भारत के आयुर्विज्ञान द्वारा स्वास्थ्य एवं शुचिता प्रदान कर रहा है। अध्यात्म मानव जीवन की अपरिहार्य आवश्यकता है। जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि की प्राप्ति सेवा सत्संग एवं साधना द्वारा सदगुरु के स्वरवेद द्वारा ही संभव है। अध्यात्म पथ के अनुगामी बनकर हम अपना सर्वांगीण कल्याण कर लें।